और इंडिविजुअल रीजनिंग वाले बच्चे हैं वो भी इस क्लास में होंगे, ठीक है, और फाउंडेशन बैच के जो बच्चे हैं वो भी इस क्लास में हैं। फाउंडेशन बैच में आज कितने बच्चों का पहला दिन है, फर्स्ट डे? फर्स्ट डे कई सारे बच्चों का है, तो आज से आप लोगों को सारी चीज समझ में आएंगी रीजनिंग में, क्योंकि साइक्लिक बैच है, हर टॉपिक के साथ बैच आपका नया हो जाता है। तो आपका बैच क्यूब क्यूबाइड से स्टार्ट होगा, तो यहीं आकर के कंप्लीट होगा आपका ये बैच, ठीक है। डाइस की शीट हम दिलवा देते हैं अभी अस्पाक सर से, ठीक है, चलिए। और लिंक आप लोगों को मिल गया था? लिंक नहीं मिला था? अनिल सर आ गए हैं तो आप लिंक भिजवा दे रहे हैं। अनिल सर आज क्यों वो इंडिविजुअल इनिंग वाले बच्चों को डाइस का लिंक दे दीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज से आपका ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये टॉपिक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो SSC हो, बैंक, रेलवे, चाहे आपका UPSC के लिए CSAT का आपका पेपर हो, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, बच्चों प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टॉपिक हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे, एक तो क्यूब एंड क्यूबाइड से जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं बच्चों वो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, और दूसरा आपका घन की सतहों पर रंग लगा करके जब घन को काटा जाता है और पूछा जाता है कि कितने ऐसे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, जिनकी केवल दो सतह रंगीन होगी, इस टाइप के हम लोग सवाल पढ़ेंगे। यानी घन और घनाभ के पहले सामान्य से जो क्वेश्चन होंगे हम लोग वो पढ़ेंगे, और उसके बाद क्यूब एंड क्यूबाइड के जो कलर वाले क्वेश्चन है हम लोग उन्हें पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक बार जान लेते हैं कि क्यूब क्या है और क्यूबाइड क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप समझिए कि घन किसे कहते हैं, क्यूब होता क्या है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, घन बच्चों आपका एक 3D फिगर है, 3D फिगर है, जिसमें तीन विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन घन की तीनों विमाओं की लंबाइयां समान होती हैं, यानी जितने लंबाई होगी उतना ही चौड़ाई होगा और उतना ही ऊंचाई होगा बच्चों। तो घन की तीनों विमाएं समान लंबाई की होती हैं, समान माप की होती हैं बच्चों, क्लियर है। आइए फिगर ड्रॉ करते हैं घन का कंप्लीट। अगर हम घन का फिगर ड्रॉ करें तो ये देखिए 3D फिगर आपको ये दिखाई देगा, ये है क्यूब, ये आपका है घन। लेकिन बच्चों अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसका केवल किसी भी कोने से अगर हम किसी घन को देखें तो हमें केवल तीन सतह दिखाई देगी, और अगर हम केवल वो तीन सतहों से संबंधित घन का फिगर बनाएं तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि ये क्या है, आपका क्यूब है बच्चों। इस तरीके से भी हम लोग क्यूब का फिगर बनाते हैं, और ज्यादातर हम लोग यही फिगर यूज भी करते हैं बच्चों, ये भी क्या है, क्यूब है। तो घन में कुल कितनी विमाएं हैं, तीन विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आप देख रहे हैं बच्चों कि ये क्या है, ये है लंबाई, क्या है ये लंबाई, ये क्या है चौड़ाई, और ये क्या है बच्चों ऊंचाई है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि ये है लंबाई, अगर लंबाई a है तो चौड़ाई भी क्या है a, और ऊंचाई भी क्या है a है बच्चों। तीनों विमाएं समान माप की होंगी, यानी जितना लंबाई की माप होगी उतनी ही चौड़ाई की माप होगी और उतनी ही ऊंचाई की माप होगी। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि घन की जितनी भी सतहें हैं, ये घन की सतह है बच्चों, घन की जितनी भी सतहें हैं ये सतहें कैसी होंगी, वर्गाकार होंगी बच्चों। घन की प्रत्येक सतह कैसी होती है, वर्गाकार होती है। और घन में कुल कितनी सतहें होती हैं, छह सतह होगी बच्चों। तो अगर हम आपसे बोले कि घन में सतहों की संख्या कितनी होती है तो आप कहेंगे सतह कितनी है, छह, और प्रत्येक सतह कैसी है, वर्गाकार है बच्चों, क्लियर हुआ। छह
यह सतह कौन सी है, आइए देख लीजिए। एक सतह देखिए ये है, तो इसके अपोजिट में ये वाली सतह होगी, कितनी सतह हो गई, दो। फिर एक सतह इधर है ये, तो इसके अपोजिट में इधर एक सतह होगी, तो दो दो चार। फिर एक सतह ये सामने की तरफ है, ये पूरा कंप्लीट ये देख पा रहे होंगे आप लोग, तो इसके विपरीत में ये सतह होगी बच्चों, तो चार दो छह। कुल सतहों की संख्या कितनी है यहां घन में, छह बच्चों, कुल छह सतह है और प्रत्येक सतह वर्गाकार है। अब हम बात करेंगे यहां पर किनारा और कोना। तो सबसे पहले बच्चों देखिए कोने कितने होते हैं घन में, अगर हम कोना देखें तो कोनों की संख्या कितनी है, आठ है। कोना कहते किसको है, जहां पर तीन सतहें मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कोना यानी कि कॉर्नर, कोना यानी कि कॉर्नर। ध्यान से समझिएगा बच्चों, जैसे देखिए जिस कमरे में आप बैठे हैं यहां पर उस तरफ आपको एक कोना दिखाई दे रहा होगा ऊपर की तरफ, क्यों कोना है, क्योंकि देखिए ये छत, उधर से जो दीवार आई है वो, और इधर वाली जो दीवार है ये, तीनों वहां जाकर के कोने पर जुड़ी हैं। तो जहां तीन सतहें मिलेंगी वहां क्या बनेगा बच्चों, कोना बनेगा। और आप बताइए जिस हॉल में आप बैठे हैं अगर आप यहां पे कॉर्नर काउंट करें तो कॉर्नर कितने होंगे, तो आप बोलेंगे देखिए उधर ऊपर एक कोना होगा नीचे कोना होगा, दो उधर हो गया, उधर एक कोना होगा एक कोना नीचे हो गया, दो उधर हो गया, दो दो चार, चार इस साइड और चार पीछे, तो चार चार आठ। कोनों की कुल संख्या कितनी है, आठ है। इस फिगर में आई देखिए कोना कहां कहां है, तो आप कहेंगे बच्चों देखिए एक कॉर्नर आपको यहां दिखाई दे रहा है ये, एक कॉर्नर ये है दो, फिर एक कॉर्नर ये है तीन, एक कॉर्नर ये है चार। ऊपर की तरफ कितने कोने हैं, चार। अब नीचे की तरफ देखिए बच्चों कितने कोने हैं, तो आप कहेंगे देखिए एक ये दो, यहां तीन और ये चार। तो कुल कोनों की संख्या कितनी हो गई, आठ हो गई। आठ कोने कहां कहां दिखाई दे रहे हैं, तो कोनों की संख्या कितनी हो गई, आठ। चलिए सतह यानी कि सरफेस। अब देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे किनारे की, किनारा यानी कि एजेस। देखिए बच्चों किनारों की संख्या कितनी है, बारह। तो किनारा कहते किसको है, जहां पर दो सतहें मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। जैसे देखिए ये ऊपर वाली जो छत है और जो ये वाली दीवार है बच्चों, क्या ऊपर वाली छत और ये वाली जो दीवार है ये दोनों यहां पर जुड़ी हुई है, तो यहां से लेके यहां तक जो अगर ये लाइन अगर आप देखें, जैसे अगर कोई भी चीज इस तरीके से जुड़ी हुई है तो यहां से लेके यहां तक जो लाइन है इस पूरी लाइन से जुड़ी हुई है, तो ये यहां से लेके यहां तक ये क्या कहलाएगा, किनारा कहलाएगा बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि एक कोना यहां है और एक कोना यहां है, ये दोनों कोने क्या इस लाइन के द्वारा ज्वाइंट है बच्चों, जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, किनारा है। तो एक किनारा यहां से लेके यहां तक हो गया एक किनारा, तो अगर एक किनारा इधर है बच्चों तो एक किनारा उधर भी ऊपर की तरफ होगा, तो एक किनारा ये हो गया दो, फिर एक किनारा इधर हो गया ये तीन, और एक ये हो गया चार। ऊपर की तरफ कितने किनारे हो गए, चार। तो नीचे की तरफ भी तो चार किनारे होंगे, तो आप बोलेंगे देखिए नीचे की तरफ एक किनारा ये होगा, एक किनारा उधर नीचे की तरफ होगा दो, फिर उधर नीचे की तरफ तीन, इधर नीचे की तरफ चार, तो चार किनारे और हो जाएंगे बच्चों। कौन कौन से चार किनारे देखिएगा, एक किनारा ये एक, फिर ये दो, ये तीन और ये चार, तो चार चार कितने, आठ। अभी चार किनारे और हैं, वो चार किनारे कौन से होंगे, आप कहेंगे कि जब उधर वाली जो दीवार है और इधर वाली जो दीवार है बच्चों, जब ये दोनों ऐसे जुड़ेगी तो ऊंचाई में भी तो एक आपका किनारा बनेगा, ऐसे ऊंचाई में आपका देखिए किनारा बन रहा है, तो ऐसे कितने किनारे होंगे, चार, चार और किनारे होंगे बच्चों। तो आइए अगर हम ये चार किनारा देखें तो आप देख सकते हैं एक किनारा ये, एक किनारा ये दो, फिर एक किनारा ये तीन और एक किनारा ये चार, तो टोटल किनारों की संख्या कितनी हो गई, बारह हो गई, कुल किनारों की संख्या हो गई बारह। तो अभी आपने घन के बारे में सीखा है कि क्यूब हम कहते किसको है, तो आपने कहा बच्चों कि घन आपका एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, त्रिविमीय आकृति है।
जिसमें तीन बीमाएं होती हैं और उन तीनों बीमाओं की माप बराबर बराबर होती है। तीनों बीमाएं कौन कौन सी हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और जो माप लंबाई की होगी वही माप चौड़ाई की होगी, वही माप ऊंचाई की होगी। बच्चों इस प्रकार देखा जाए तो घन की प्रत्येक फलक कैसी होगी बच्चों? वर्गाकार होगी। घन की प्रत्येक फलक कैसी होगी? वर्गाकार होगी। घन में कुल कितने सतह होंगे? छह सतह होंगी। घन में कुल कितने कोने होंगे? आठ। और कुल किनारे कितने होंगे? बारह। बात इतनी समझ गए आप लोग? इतना समझने में कोई डाउट किसी को? ये बिल्कुल बेसिक आपका पॉइंट था, तो पहले ये चीजें बताना जरूरी होता है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लिखिएगा सबसे पहले घन, सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा घन क्यूब। लिखिएगा घन एक त्रिविमीय, घन एक त्रिविमीय, यानी कि ब्रैकेट में लिख लीजिएगा थ्री डायमेंशनल, त्रिविमीय आकृति होती है। घन एक त्रिविमीय, ब्रैकेट में थ्री डायमेंशनल, ब्रैकेट बंद, आकृति होती है जिसकी तीनों बीमाएं, जिसकी तीनों बीमाएं समान माप की होती हैं, जिसकी तीनों बीमाएं समान माप की होती हैं। समान माप की होती है। हो गया। अब नीचे लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, घन में कुल आठ कोने, कुल आठ कोने छह सतहें और बारह किनारे होते हैं, और बारह किनारे होते हैं। हो गया बच्चों? नीचे लिखिएगा घन की प्रत्येक सतह, घन की प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है। घन की प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है। हो गया बच्चों? चलिए अब ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। फिगर ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद हम लोग आते हैं, अब टाइप वन से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो गया बच्चों? बना लिया फिगर आप लोगों ने? बन गया फिगर? चलिए अब हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा बच्चों, कुल घनों की संख्या पर आधारित प्रश्न। कुल घनों की संख्या पर आधारित प्रश्न। कुल घनों की संख्या पर आधारित प्रश्न लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अब आइए बच्चों देखिए पहला आपका सवाल, पहला क्वेश्चन। देखिए पहला आपका क्वेश्चन क्या है, सारे बच्चे ध्यान देंगे।
एक घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस घन को काटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे, ये आपका सवाल है। तो हम बच्चों इस सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं, फिगर बना करके काट करके काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन काफी समय लगेगा, बात समझिएगा बच्चों। लेकिन सबसे पहले हम काउंट आपको कराएंगे, काउंटिंग आप करेंगे तो ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी बच्चों। आइए देखिए, तो अगर हम इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो फिगर बना करके बच्चों हम यहां पर घन की कटाई कर दें और उसके बाद कुल घनों की संख्या हम ज्ञात कर लें। तो देखिए, एक घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, घन की भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो हमने बना लिया एक क्यूब, ये आपका क्यूब है, और एक बड़ा घन है, इस बड़े घन की जो भुजा है ये कितनी बच्चों 5 सेंटीमीटर है। अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर होगी। अब क्या बोला गया है, इस घन को काटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दीजिए। तो आइए बच्चों, इसको काटकर हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में परिवर्तित करते हैं, तो ये यहां से लेके यहां तक 5 है, एक एक सेंटीमीटर में काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर, 2, ये 3 और ये 4, हो गया 5। बताइए 1 सेंटीमीटर, ये 2, 3, 4 और 5, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए कैसे कटाई करेंगे, यहां पर इस तरीके से ऐसे पूरा काटना पड़ेगा, इस तरीके से यहां पे हमने पूरा काट दिया, यहां पे हमने पूरा काट दिया, ये हमने पूरा काट दिया। बताइए क्या एक एक सेंटीमीटर में आपका ये जो घन है वो लंबाई पूरी जितनी भी लंबाई थी वो सब एक एक सेंटीमीटर में कट गई, लेकिन सिर्फ लंबाई को काट देंगे तो छोटा छोटा घन थोड़ी मिलेगा बच्चों, घन की तीनों भीमाएं समान माप की है, और अगर घन को काटकर छोटा छोटा घन बनाना है तो जैसे लंबाई को काटा है वैसे चौड़ाई को काटना पड़ेगा और उसी तरीके से ऊंचाई को भी काटना पड़ेगा, तब छोटे छोटे घन में ये घन आपका परिवर्तित हो पाएगा। अब आइए बच्चों, अब चौड़ाई को काटते हैं, चौड़ाई भी तो 5 होगी, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, चौड़ाई को भी 1, 2, 3, 4, 5 एक एक सेंटीमीटर में काट दिया। अब चौड़ाई को काटेंगे बच्चों तो देखिए ये आपकी चौड़ाई कटेगी ऐसे, ये आपकी चौड़ाई पूरी इस तरीके से चौड़ाई कटेगी, तो चौड़ाई यहां तक ऐसे इसको काटना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब हमने देखिए यहां नीचे ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि जब आप इस चौड़ाई को काटेंगे तो चौड़ाई जैसे ये आपका 3D फिगर है बच्चों, तो यहां हमें ये लाइन दर्शानी पड़ रही है, अगर एक्चुअल में आप देखिए ये ऐसे बॉक्स कोई हो और चौड़ाई को काटना है तो आप काटेंगे तो पूरा ऐसे कटेगा ना, ये देखिए कैसे कटेगा, यहां से पूरा ऐसे कटेगा, तो क्या इधर से ये कटेगा कि नहीं, इधर से भी आपका कटेगा, तो हमने ये पूरा कंप्लीट दिखाया है। अब इसी प्रकार से बच्चों हमें किसको काटना पड़ेगा, ऊंचाई को भी काटना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्या अभी छोटे छोटे घन बन पाए हैं, नहीं, तो लंबाई को काटा चौड़ाई को काटा अब हम ऊंचाई को भी काटेंगे तब छोटे छोटे घन बनेंगे। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये देखिए चौड़ाई को काट दिया, फिर चौड़ाई को काट दिया 2 सेंटीमीटर, फिर ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 और 5, एक एक सेंटीमीटर में काट दिया। क्या अब बच्चों आपका ये घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर थी, क्या अब ये दिखने लगा कि इसको हमने एक एक सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में बांट दिया है, क्या अब ये जितने भी छोटे छोटे घन है सबकी भुजा 1 सेंटीमीटर दिखाई दे रही कि नहीं आपको, अब सबकी भुजा देखिए दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, प्रत्येक भुजा की जो माप है वो कितनी हो गई 1-1 सेंटीमीटर हो गई, यानी कि ये घन 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में बट गया। अब हमें क्या करना बच्चों, कुल घनों की संख्या काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे अगर हम इसको काउंट करेंगे ऐसे, अगर हम क्रम एक क्रमबद्ध तरीके से काउंटिंग ना करें तब तो हम बीच में भूल जाएंगे ना कि क्या हमने गिना है क्या नहीं गिना है,
तो इसको हम एक सिस्टमैटिक ढंग से काउंट करेंगे बच्चों। क्या सिस्टमैटिक वे होगा हमारा? हम कहेंगे ये बताइए, ये पूरा घन है, घन को काट के आपने छोटे छोटे घन में बदल दिया, तो कुल कितने फ्लोर यहां दिखाई दे रहे हैं? तो आप ये बोलेंगे, देखिएगा ये फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कितने तल दिखाई दे रहे हैं? पांच तल दिखाई दे रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग? और क्या एक तल पर जितने कमरे होंगे छोटे छोटे, क्या हर एक फ्लोर पर उतने ही कमरे होंगे या संख्या बदलनी हुई होगी? उतने ही होंगे, ये बात मान रहे हैं आप? तो हम एक फ्लोर केवल काउंट करेंगे, सारा काउंट हो जाएगा। तो आइए बच्चों देखिए, हम एक फ्लोर काउंट करते हैं। तो अगर हम ये एक फ्लोर काउंट करें, ये देखिए, ये इतना केवल हम इसको हम डार्क कर दे रहे हैं, इसके ऊपर हम केवल काउंट करेंगे। आइए इसके ऊपर काउंट करते हैं हम लोग। अगर इसके ऊपर काउंट करेंगे तो आप बोलेंगे, देखिए एक क्यूब हमारा ये हो गया एक, ये दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस। एक फ्लोर पर कितने घन है? पच्चीस। तो क्या हर फ्लोर पे पच्चीस पच्चीस होंगे? हर फ्लोर पे बच्चों पच्चीस पच्चीस होंगे। और अगर आप सबको जोड़ ले तो कितना आएगा? कितना? 125। कितना आ रहा है? 125। 25 गुणे 5 कितना आ रहा है? 125। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काट कर एक एक सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे बच्चों? 125 घन प्राप्त होंगे। ये बात आगे समझ में आप लोगों को? तो कुल घनों की संख्या कितनी आ रही है? 125 आ रही है। तो ये तो हमारा तरीका हो गया बच्चों काउंटिंग का। काउंटिंग हमने इसलिए आपको समझाया क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर आपका क्लियर होना चाहिए कि कैसे हमें कटाई करनी है, कैसे छोटे छोटे घन बनाने हैं, ये क्लियर होना चाहिए बच्चों। अब आइए मेथड टू पे। आई बच्चों ये सबको आ गया समझ में? बोलिए आप लोग। आइए अब मेथड टू पे आई बच्चों, दूसरा तरीका देखिए। देखिए दूसरा तरीका ध्यान से आप समझिएगा। क्वेश्चन में आपके ये बोला है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन है, तो ये बड़ा घन आपको दिखाई दे रहा है जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। फिर बोला गया कि इसको काट कर एक सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जाएंगे? तो मान लेते हैं कि एक सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे? एन घन बनेंगे। मान लेते हैं एन घन बनेंगे। अब आप हमें एक बात ये बताइए बच्चों, अगर हम किसी भी 3D फिगर को पिघला करके कोई दूसरा अगर हम रूप दे दें तो आप यही तो कहते हैं कि अगर हमने किसी भी 3D फिगर को पिघला करके या काट करके हमने दूसरा रूप दे दिया है तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। जैसे बच्चों अगर मान लीजिए कि कोई एक लोहा है गोल आकृति का, यानी कि वो गोला है आपका, वो स्पीयर है, अगर हम उसको पिघला दें और पिघला करके हमने क्या बना दिया? क्यूब बना दिया। तो जो क्यूब बनेगा वो उसी लोहे से तो बना है कि अतिरिक्त लोहे का प्रयोग किया गया? नहीं, उसी लोहे का प्रयोग किया गया, उसी को पिघलाया गया थोड़ा सा और पीट पीट करके क्या बना दिया गया बच्चों? क्यूब बना दिया गया। तो आप बोलेंगे कि जो क्यूब में जितना लोहा है उतना ही लोहा उस गोले में भी होगा, तो दोनों का आयतन क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि अगर हम इस घन को काटकर छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दें तो जितने भी छोटे छोटे घन बनेंगे, अगर हम इस सभी छोटे घनों का आयतन जोड़ लें तो क्या इस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा? होगा बच्चों। तो आइए देखिए, सभी छोटे घनों का आयतन अकेले इस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो हम यहां लिख दे रहे हैं एक लाइन, सभी छोटे घनों का आयतन, सभी छोटे घनों का आयतन, सभी छोटे घनों का आयतन बराबर क्या? बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन। अब सारे बच्चे देखेंगे, सभी छोटे घन का अगर हम आयतन निकालना चाहते हैं बच्चों तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि जितने भी छोटे घन हैं, क्या ये सभी छोटे छोटे घन समान माप वाले हैं, समान लंबाई वाले हैं या अलग अलग लंबाई वाले हैं? समान लंबाई वाले हैं, समान माप वाले हैं।
तो एक का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन दूसरे का भी होगा, उतना आयतन तीसरे का भी होगा, उतना आयतन चौथे का भी होगा। तो हम सबका अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे थोड़ी, हम एक का निकाल करके जितने घन होंगे उसकी संख्या से गुणा कर देंगे। तो हम क्या कर दें बच्चों, एक घन का आयतन निकाल करके एन से गुणा कर देंगे तो क्या सभी छोटे घनों का आयतन आ जाएगा? बोलिए भाई, अगर मान लीजिए एक सेंटीमीटर भुजा वाले चार घन होते, कितने घन? चार। तो चारों का आयतन निकालना होता तो आप क्या करते? आप कहते एक का आयतन निकाली और चार से गुणा कर दीजिए। तो अगर एन घन है बच्चों तो हम क्या करेंगे, एक का आयतन निकालेंगे और एन से गुणा कर देंगे। अब देखिए बच्चों, तो एन गुणे एक छोटे घन का आयतन, और घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो आप बोलेंगे घन की भुजा एक है तो एक का क्यूब बराबर बड़े घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो बड़े घन की भुजा क्या है? पांच। तो पांच का क्यूब लिख देंगे। तो यहां से जो एन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको लिख सकते हैं पांच बटे में एक का होल क्यूब, और पांच बटे एक की वैल्यू क्या आएगी? पांच। पांच का क्यूब कितना? 125। ये आपका तरीका है। बात आ गई समझ में? क्या ये तरीका समझ गए आप लोग? अब देखिए बच्चों, लेकिन ये आपका सिंपल मेथड है जिसमें हमने आपको स्ट्रक्चर समझाया, बना करके कटाई करके दिखाया कि गिन लीजिए कि कुल घनों की संख्या 125 आ रही है। ये आपके मैथमेटिक्स का तरीका बच्चों। अब हम रीजनिंग का तरीका अब समझाएंगे मेथड थ्री में। क्लियर हुआ बच्चों? अब हम आपको समझाएंगे मेथड थ्री रीजनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। आइए देखिए, ये दोनों ही तरीका समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आते हैं मेथड थ्री पे। अभी कितने बच्चों को ये दोनों तरीका नहीं समझ में आया है, वो ईमानदारी पूर्वक हाथ उठाएंगे। बोलिए, कोई ऐसा बच्चा है जिसको मेथड वन और मेथड टू कम समझ में आया हो? पीछे वाले बच्चे बताएं आप लोग, हो रहा क्लियर? नोट करिए तेजी से। हाँ कर लीजिए क्वेश्चन नोट। कर लिया नोट आप लोगों ने? इधर वाले बच्चे आज कुछ कम आए हैं इसलिए शोर कम हो रहा है क्लास में। हाँ आपको बता के गए थे? हाँ कर लिया नोट आप लोगों ने? तेजी से नोट करिए बच्चों आप लोग। हो गया बच्चों? कर लिया आप लोगों ने? मिटाएं आप? चलिए अब देखिए बच्चों, मेथड थ्री समझिए।
चलिए मेथड थ्री समझिएगा। देखिए बच्चों, अगर हमें कुल घनों की संख्या निकालना है तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या होगा और वो कॉन्सेप्ट कैसे बना है हम आपको सब समझा रहे हैं। देखिए आप सीधे बोलेंगे कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या n बराबर होता बच्चों x का क्यूब। कुल घनों की संख्या n बराबर होता है x का क्यूब। एक्चुअली बच्चों x क्या है, पहले हम इस x के बारे में समझते हैं कि x क्या है। तो x है बच्चों बड़े घन की भुजा और बटे में छोटे घन की भुजा। या हम इसे बोल सकते हैं कि x है टुकड़ों की संख्या। क्या है? टुकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ पीसेस, टुकड़ों की संख्या है बच्चों यहां पे। अब आइए देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या लॉजिक है, ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे। अगर हम कुल घनों की संख्या n की बात करें तो n इक्वल टू हम बोलेंगे x का क्यूब, और x क्या है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, यानी कि टुकड़ों की संख्या। आइए इस चीज को आप यहां से भी समझ सकते हैं और इस फिगर से भी समझ सकते हैं। तो पहले हम आपको यहां से समझा रहे हैं, यहां से समझना आपके लिए बहुत आसान है। आप ये बताइए, आप देख रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है एन बराबर 5/1 का होल क्यूब, यही आ रहा है 5/1 का होल क्यूब। तो ये 5 क्या था बच्चों? बड़े घन की भुजा, और 1 क्या है? छोटे घन की भुजा। तो हम यहीं से क्या सीधे बोल सकते थे कि फॉर्मूला बनाना चाहे तो n बराबर लिख लीजिए बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा का होल क्यूब लिख सकते हैं। और हमने बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा को क्या बोल दिया बच्चों? x बोल दिया। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया? x। और हमने ये फॉर्मूला बना लिया कि n इक्वल टू होता है x का क्यूब, और हम ये जानते रहेंगे कि x क्या है? बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन बच्चों आपको ये भी समझना है कि x का मतलब होता है टुकड़ों की संख्या। क्यों टुकड़ों की संख्या? आइए बोर्ड पे देखिए बच्चों, आप ये बताइए अगर घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, हम इसे 1-1 सेंटीमीटर में बांटेंगे तो कितने टुकड़े बनेंगे? 5 टुकड़े बनेंगे। बताइए अगर 5 सेंटीमीटर को 1-1 सेंटीमीटर में आप बांट देंगे, 1-1 सेंटीमीटर में तोड़ेंगे आप, ब्रेक करेंगे, तो कितने टुकड़े बनेंगे? 5 टुकड़े बनेंगे। आप ये देख लीजिए 5 टुकड़े, यहां देखिएगा ध्यान से, ये 1 सेंटीमीटर वाला पहला टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये कितना? 5वां। तो लंबाई के कितने टुकड़े हुए? 5। अगर लंबाई के 5 टुकड़े होंगे तो चौड़ाई के भी कितने टुकड़े? 5। चौड़ाई के भी 5 टुकड़े, तो ऊंचाई के भी कितने टुकड़े? 5 टुकड़े। तो आप ये बोलेंगे कि अब यहां पे x का क्यूब क्यों कर रहे हैं? x का मतलब है बच्चों टुकड़ों की संख्या। हम बोलेंगे कि देखिए लंबाई के अगर 5 टुकड़े होंगे तो चौड़ाई के भी 5 टुकड़े होंगे, तो एक सतह पर, एक फ्लोर पर लंबाई गुणे चौड़ाई का कॉन्सेप्ट है, यानी 5 टुकड़े यहां और 5 टुकड़े यहां, तो 5 गुणे 5 कितना? 25 घन बन रहे हैं। क्लियर? और अगर 25 घन यहां बन रहे हैं तो टोटल फ्लोर कितने हुए? 5। तो इसी 25 में हम 5 से और गुणा कर दें तो बच्चों पता चल जाएगा कि कुल घन कितने हैं? 125। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में ये याद रखना चाहें तो हम बस इतना हमें याद होना चाहिए कि कुल घनों की संख्या बराबर होता है टुकड़ों की संख्या का क्यूब। जितने टुकड़े हैं उसी का क्यूब कर दीजिए। हम कहेंगे टुकड़े कैसे पता चलेंगे? तो भाई बड़े घन की भुजा 5 है, 1-1 सेंटीमीटर में हमने काटा है, तो कितने टुकड़े बनेंगे? 5। तो लंबाई के 5 टुकड़े, चौड़ाई के 5 टुकड़े, ऊंचाई के भी 5 टुकड़े, तो 5 का क्यूब कितना? 125। तो सवाल का उत्तर क्या आएगा? 125 आएगा। तो ओरल फॉर्म आपका यही है बच्चों, आपको इस तरीके से याद रखना। ये बात क्लियर हो गई। और हमें ये भी याद रखना है कि x बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। ये फार्मूले के रूप में याद रखना है, लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि जब बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग करेंगे तो टुकड़ों की संख्या ही तो आएगी बच्चों। क्या आएगा? बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग करेंगे तो क्या आएगा?
टुकड़ों की संख्या आएगी और टुकड़ों की संख्या का क्यूब कर देने पर ही कुल घनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का, तो लिख लीजिएगा मेथड थ्री, कुल घनों की संख्या बराबर, कुल घनों की संख्या एन बराबर एक्स का क्यूब, जहां एक्स क्या है बच्चों, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अब देखिए यहां कुछ भी नहीं करना था, सीधे n बराबर पांच बटे में एक का होल क्यूब, सीधे हमारे सवाल का उत्तर क्या आएगा, चलिए सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं, x बराबर आएगा पांच बटे में एक यानी कि पांच, तो n की वैल्यू क्या आएगी, x का क्यूब यानी कि पांच का क्यूब, पांच का क्यूब 125। कर लीजिए नोट आप लोग। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, समझ में आ रहा आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं इस कॉन्सेप्ट को समझने में, बोलिए आप लोग बताइए। हाँ दो से भाग होता है ठीक है, लेकिन हम ऐसे इसको ब्रेक करते हैं कि जो टुकड़ों की संख्या आएगी नंबर ऑफ क्यूब्स, ऐसा तो हो नहीं सकता कि साढ़े चार घन मिलेंगे, बोलिए किसी भी घन को काट करके छोटे छोटे घनों में अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप काटेंगे तो जो कुल घनों की संख्या होगी वो पूर्णमान के रूप में होगा कि नहीं, जैसे पांच घन मिल रहे हैं दस घन मिल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा कि साढ़े चार घन मिल रहे हैं, नहीं हो सकता ना, इसलिए वो हमेशा एग्जैक्टली कटने वाला मान होगा आपका। आइए अगला सवाल देखिए, अब आप क्वेश्चन देखते ही उत्तर बता सकते हैं और कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप बताइए बड़े घन की भुजा कितनी है और छोटे घन की भुजा, तो आठ में दो से भाग करेंगे यानी कि टुकड़े कितने आएंगे, चार टुकड़े आएंगे, तो लंबाई के भी चौड़ाई के भी और ऊंचाई के भी, तो चार का क्यूब कितना 64। क्लियर हुआ बच्चों, चलिए तो बस केवल आपको नोट करना है, आप सीधे लिखिएगा एक्स बराबर बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा, तो पूरा नहीं लिख रहे हैं समय लगेगा, बड़े बटे छोटे लिख रहे हैं, आठ बटे में दो कितना आएगा चार, तो एन की वैल्यू होगी एक्स का क्यूब यानी कि चार का क्यूब, चार का क्यूब 64। कर लीजिए नोट आप लोग। हो गया क्लियर, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन के लिए, बच्चों जगह छोड़ दीजिए ठीक है, हम सीट अभी आप लोगों को कल तो सीट मिल ही जाएगी आप लोगों को, आज सीट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो क्वेश्चन घर पे नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन के लिए दो दो लाइन जगह छोड़ दीजिए। आइए क्या कह रहे हैं, हाँ रहेंगे, अब आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, एक घन जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है इसे काटकर 5 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में बदल दिया जाए तो कुल कितने घन बनेंगे, कितना 216। कोई बच्चा है जो इस सवाल को करने में असक्षम है, बोलिए कोई ऐसा बच्चा जो इस क्वेश्चन को करने में असक्षम हो, बोलिए कोई ऐसा नहीं है। आइए अगले सवाल पे आ जाइए बच्चों, 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो यहां पे बताइए जब 15 × 15 × 15 का मतलब क्या, लंबाई भी 15 चौड़ाई भी 15 और ऊंचाई भी 15, नहीं भी दिया होता तो भी तो यही मानते हैं आप, बोलिए अभी तक सवाल में क्या लिखा था कि एक घन जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या, लंबाई भी 30 चौड़ाई भी 30 ऊंचाई भी 30, तो क्लियर ही है, तो अगर ये 30 × 30 × 30 लिख देगा तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या हमारे सवाल पे, नहीं पड़ना है, तो इसका मतलब यही है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है और उसको काट करके 5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में परिवर्तित किया जा रहा है तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे, कितना 27।
हो जाएगा। छोड़ दें बच्चों, आइए अगले सवाल पे आइए। अब 10 × 10 × 10 कितना 125। आइए अगला सवाल देखिए। एक घन को काटकर उसकी भुजा के 1/5 भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं? तो आप बताइए बच्चों, x बराबर क्या होता है? बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा, यही होता है। तो सवाल में क्या लिखा है? घन को काटकर उसकी भुजा के 1/5 भुजा वाले घन में आपको ब्रेक करना है। तो मान लेते हैं बड़े घन की भुजा क्या है x नहीं मानते, a मान लेते हैं। बड़े घन की भुजा क्या है? a। तो छोटे घन की भुजा क्या होगी? इस भुजा का 1/5। तो अब बताइए, a से कट गया, x की वैल्यू क्या आएगी? 5। और अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? x का क्यूब। और x का क्यूब बोलने का मतलब 5 का क्यूब, कितना? 125। तो ये सवाल आपको सॉल्व नहीं करना है, ये सवाल तो आपने आंखों में हल कर लिया होगा। क्यों? आपने देखा होगा 1/5, तो समझ में आया होगा 1/5 करने पे x का मान 5 ही आएगा, और 5 का क्यूब कर दिया, कितना? 125। आइए, नोट हो गया है सवाल, नोट करते जाइए। तो यहां आपको केवल क्या देखना था? ये डिनोमिनेटर, आपने डिनोमिनेटर देखा 5, तो सीधे 5 का क्यूब 125, यही आपका आंसर। आ जाइए अगले सवाल पर, समझ गया आंसर क्या आएगा? अब 1/7 है, तो सीधे हम बोल दें बच्चों कि n बराबर हो जाएगा 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब कितना? 343, क्लियर, 343। अब आइए अगले सवाल पर। एक घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 125 घन बनाए गए, तो बताइए छोटे घन की भुजा क्या होगी? तो आप देखिए बच्चों, यहां कुल घनों की संख्या दिया है, कुल घनों की संख्या कितना है? 125। तो आप सीधे बोलेंगे कुल घनों की संख्या बराबर कितना? 125। कुल घनों की संख्या बराबर होता है x का क्यूब, यानी x क्यूब की वैल्यू 125। तो x बराबर कितना? 5। x बराबर क्या आ गया? 5। क्या ये बात सबको समझ में आई? जब आपके सवाल में कुल घनों की संख्या 125 गिवन है, तो कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता बच्चों? x क्यूब। कुल घनों की संख्या x क्यूब, यानी x क्यूब की वैल्यू है 125। तो x बराबर कितना होगा? 5। और अगर x बराबर 5 है तो x क्या है? x है बड़े बटे में छोटे, बड़े बटे में छोटे, और इसकी वैल्यू क्या है? 5। तो बताइए, बड़े की वैल्यू पता है, छोटे की वैल्यू निकालना है, बोलिए। बड़े घन की भुजा कितनी है? 5। और छोटे घन की भुजा निकालना है, तो बड़े घन की भुजा 5/ छोटे घन की भुजा बराबर कितना? 5। तो 5 से 5 कट गया, छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? तो ये लिखने में टाइम लग रहा है, आपने ओरल किया होगा, तो ओरल करने पे आंसर एग्जैक्ट आपको 1 सेकंड में भी मिल जाएगा आंसर। एक नोट कर लीजिए आप लोग। कर लिया आप लोगों ने? आइए अब अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 9। एक घन जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 216 घनों में बदल दिया गया, तो बताइए छोटे घन की भुजा क्या है? हो जाएगा? चलिए पूछ लेते हैं किसी बच्चे से। कितने बच्चों का आज पहला दिन है, फर्स्ट डे कितने लोगों का है? पहला दिन, चलिए आप में से कोई बच्चा खड़ा हो जाए, आप व्हाइट शर्ट वाला बच्चा सबसे आगे, आप व्हाइट टी शर्ट, हाँ आप खड़े हो जाइए। आपका कहाँ पहला दिन है? चलिए आप बताइए, ओरल करिए सवाल को। बड़े घन की भुजा 30 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 216 घनों में बदल दिया गया,
तो छोटे घन की भुजा आपसे पूछा गया है, कैसे करेंगे? करिए ओरल। एक्स की वैल्यू छह आएगा ना, एक्स का मान छह आ रहा होगा, आपसे छोटे घन की भुजा पूछा है, एक्स का मान पांच आएगा, छोटे घन की भुजा पांच, कैसे निकाला आपने? ओरल बस बोल दीजिए आप, फटाफट बोलिए। हाँ, छह सेंटीमीटर नहीं, केवल छह। हाँ ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए, बच्चे ने सही कहा। यहां देखिए, अब आपको इस सवाल को फील करना हो तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि कुल घन कितने बने हैं? 216। 216 घन बने हैं, तो 216 का घनमूल कितना? छह का मतलब लंबाई के छह टुकड़े, चौड़ाई के छह टुकड़े, ऊंचाई के भी छह टुकड़े हुए। तो बड़े घन की भुजा है कितनी? 30। तो छह टुकड़ा करेंगे तो हर टुकड़ा कितने का होगा? पांच का होगा, यानी छोटे घन की भुजा क्या होगी? पांच होगी। ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं? तो आइए देखिए बच्चों, आप क्या बोलेंगे? सारे बच्चे ध्यान देंगे, कुल घनों की संख्या बराबर, कुल घनों की संख्या क्या है? 216। तो एक्स क्यूब की वैल्यू हो गई 216, एक्स बराबर 6। एक्स बराबर 6 का क्या मतलब है बोलिए? एक्स बराबर 6 का मतलब क्या? लंबाई के भी 6 टुकड़े, चौड़ाई के भी 6 टुकड़े, ऊंचाई के भी 6 टुकड़े। एक्स क्या बताता है? टुकड़ों की संख्या। क्या बताता है? टुकड़ों की संख्या। सारे बच्चे ध्यान देंगे, तो अगर एक्स क्यूब की वैल्यू 216 है तो एक्स की वैल्यू है 6। एक्स बताता है कि टुकड़ों की संख्या कितनी है? 6 है। और टुकड़ों की संख्या पता कैसे चलती है? आप कहेंगे जब बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग कर देते हैं, बराबर 6। बड़े घन की भुजा 30 बटे में छोटे घन की भुजा बराबर कितना? 6। 6 से कट गया 5 बार में, तो छोटे घन की भुजा 5। ओरल सवाल है, छोटे घन की भुजा आ गई 5 सेंटीमीटर। अब आप बताइए बच्चों, ये देखिए फॉर्मूले से करना एक अलग चीज है, लेकिन सवाल आपको समझ में आ रहा है वो बात अलग हो जाएगी। अगर हम आपसे बोले कि 216 घन बना है, तो 216 का मतलब एक क्लियर होना चाहिए कि घनमूल लेने पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 6 का मतलब क्या है? लंबाई के 6 टुकड़े, चौड़ाई के भी और ऊंचाई के भी। तो जब बड़े घन की भुजा 30 है, 6 टुकड़ा करेंगे तो प्रत्येक छोटा घन कितने सेंटीमीटर का होगा? 5 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर हो गया? आइए अब अगले सवाल पर देखिए, एक घन जिसे काटकर 216 घनों में परिवर्तित कर दिया गया, तो अगर 216 घन बने हैं तो ये तो क्लियर हो गया ना कि आपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को कितनी कितनी बार काटा है? काटा नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के कितने टुकड़े बने हैं? 6-6 टुकड़े बने हैं। अब आप बताइए छोटे घन की भुजा कितनी है? 3। तो बड़े घन की भुजा क्या होगी? 18 होगी। ओरल है कि नहीं? बोलिए भाई, सबको समझ में आ रहा है? आप बताइए, क्लियर है आपको? छोड़ दें सवाल को, आगे बढ़े। आइए अगला सवाल देखिए, 512 घनों में परिवर्तित किया गया, तो 512 का घनमूल कितना? 8 क्या बताएगा? एक्स का मान। और एक्स क्या है? टुकड़ों की संख्या। इसका मतलब लंबाई के कितने टुकड़े? 8, चौड़ाई के भी 8, ऊंचाई के भी 8। और छोटे घन की भुजा क्या है? तो बड़े घन की भुजा 32। हो गया ओरल? आइए टाइप टू पे हेडिंग लिखिएगा, कुल कटाई की संख्या पर आधारित प्रश्न। कुल कटाई की संख्या पर आधारित प्रश्न। कुल कटाई की संख्या पर आधारित प्रश्न।
लिख लिया आप लोगों ने, कुल कटाई की संख्या पर आधारित प्रश्न। चलिए अब सारे बच्चे देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन को सीधे सीधे सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताएंगे। देखिए बच्चों, एक घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इस घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में बदल दिया गया, तो बताइए इस घन को कुल कितनी बार काटा गया, इस घन को कुल कितनी बार काटा गया। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है एक बार हम जरा रिवाइज करा दें, फिर हम इस फॉर्मूले पे आते हैं। आपने ये पढ़ा कि कुल घनों की संख्या बराबर क्या होता है, कुल घनों की संख्या बराबर होता है एक्स का क्यूब, कुल घनों की संख्या बराबर क्या, एक्स का क्यूब। ये पैटर्न दिमाग में है, फिर से बोलिएगा, कुल घनों की संख्या बराबर क्या, एक्स का क्यूब, और एक्स क्या है, बड़े घन की भुजा बटे, और बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा का मतलब टुकड़ों की संख्या, मतलब क्या टुकड़ों की संख्या। अब देखिए बच्चों, एक घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इस घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में बदल दिया गया, तो बताइए कुल कितनी बार काटा गया। तो हम सीधे लिखेंगे बच्चों, कुल कटाई की संख्या बराबर, कुल कटाई की संख्या, कुल कटाई की संख्या बराबर क्या होता फॉर्मूला, 3 (x-1) और x आपको पता है कि x कैसे आता है, x आता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा से। क्लियर हुआ, तो ये आपका फॉर्मूला है, अभी हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कुल कटाई की संख्या बराबर होता है 3 (x-1) और x क्या है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो आप बताइए बच्चों, क्या यहां पर आप इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कर लेंगे? चलिए, क्या बड़े घन की भुजा दिया है, एक घन जिसकी भुजा कितनी है और इसे काट कर कितने सेंटीमीटर में बांटा गया, 2 सेंटीमीटर वाले घन बनाए गए। तो अगर हम आपसे x का मान पूछें तो हर एक बच्चा बता लेगा x बराबर क्या होगा, 6 होगा। आप क्या करेंगे, बड़े घन की भुजा कितनी है, 12, छोटे घन की भुजा 2, 12 बटे 2 की वैल्यू 6। तो बताइए बच्चों, कुल कटाई की संख्या का फॉर्मूला है 3 (x-1), तो x का मान कितना आया, 6 - 1, 5 × 3 कितना, 15, तो कुल कटाई की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। नोट कर लीजिए आप लोग, चलिए बात न करें भाई, आप लोग आप खड़े हो जाइए, येलो शर्ट, हाँ आगे आइए, इधर आइए, इधर आइए, काफी डिस्टर्ब करते हैं आप क्लास को, इधर आइए, पीछे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है आइए। कर लिया नोट आप लोगों ने, चलिए अब आइए बच्चों कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि ये 3 (x-1) का मतलब क्या है। इतना ही आपको हम अगर कराएं बच्चों, तो ऐसा नहीं कि हमारा काम नहीं हुआ, काम तो हो गया ना, आंसर तो आ ही रहा है, फॉर्मूला हमने आपको नोट करा दिया, लेकिन फिर आप ये जीवन भर ये चीज समझ नहीं पाएंगे कि 3 (x-1) का मतलब क्या है। ध्यान से आप समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, 3 (x-1) कैसे आता बच्चों, क्योंकि अगर ये समझ में आपको आएगा तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सवाल को वैसे ही ओरल तरीके से हल कर लेंगे, फॉर्मूला भूल भी जाएगा तो भी आपका काम हो जाएगा बच्चों। चलिए पहले एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, बोर्ड पे देखिए, अगर हम आपसे ये बोले, इसको मिटा ही देते हैं, क्लास लाइव चल रही है तो बच्चों का कुछ कमेंट बताते रहिएगा, इस पे सेट कर दे कि कमेंट आता रहे,
एक हफ्ते पहले भी इन्होंने कहा था ना कि सेट कर देंगे। आए चलिए देखिए बच्चों, एक लकड़ी का टुकड़ा है, सॉरी अभी टुकड़ा नहीं है, एक ये लकड़ी है। अगर हम आपसे ये बोलें कि इसको दो टुकड़े में बांटना है, कितने टुकड़े में? दो टुकड़े में बांटना है, तो आप बताइए इसको कितनी बार आप काटेंगे? कंफर्म? ठीक है, एक बार काट देते हैं भाई, आपने कहा एक बार काट दीजिए, एक बार काट दिया, बन गया दो टुकड़ा। अब ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, सॉरी लकड़ी है, इसको तीन टुकड़े में काटना है, कितना टुकड़ा बनाना है? तीन। कितनी बार काटेंगे? तीन बार नहीं काट सकते हैं, कितनी बार? दो बार काटेंगे, इसको आपने कहा दो बार काट दीजिए। चलिए फिर एक लकड़ी है, इसको चार टुकड़े में बांटना है, कितनी बार काटेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार? तीन बार काटेंगे। तो यहां आपको एक कॉन्सेप्ट यह समझ में आया कि जितना टुकड़ा हमें बनाना है उससे एक बार हम कम ही काटेंगे, दो टुकड़ा बनाना है एक बार काटा, तीन टुकड़ा बनाना है दो बार काटा, चार टुकड़ा बनाना है तो तीन बार काटेंगे। और जो टुकड़ों की संख्या है वही x का मान है, जो टुकड़ों की संख्या है वही क्या है? x, x ही टुकड़ों की संख्या है, और टुकड़ों की संख्या ही क्या है? x है। समझ पा रहे हैं? तो दो टुकड़ा बनाना है एक बार काट रहे हैं, तीन टुकड़ा बनाना है दो बार काट रहे हैं, और चार टुकड़ा बनाना है तीन बार काट रहे हैं। यानी जितना टुकड़ा आपको बनाना होगा हम उससे हमेशा एक बार कम काटेंगे। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? जितना टुकड़ा बनाना है हमेशा हम उससे एक बार कम काटेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर ये बात समझ में सबको आ रही हो, पीछे वाले बच्चे बताएं भाई ये समझ में आ रहा है? जितना टुकड़ा बनाना है हमेशा उससे एक बार कम काटेंगे कि नहीं? कम काटेंगे। तो अब हमें एक बात बताइए, बड़े घन की भुजा कितनी है? कितनी है? 12। और कितने सेंटीमीटर में काटना है? 2 सेंटीमीटर में काटना है। तो 12 सेंटीमीटर को आप ही बताइए, 12 सेंटीमीटर को अगर हम 2-2 सेंटीमीटर में काटेंगे तो कितने टुकड़े बनेंगे? बोले भाई 6 टुकड़े बनेंगे। और अगर 6 टुकड़ा बनाना है तो 6 बार काटना पड़ेगा कि 5 बार? बोलिए 5 बार काटना पड़ेगा। आप कहेंगे ये देखिए एक बार ये काट दिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार। क्या 5 बार काटने पे 6 टुकड़े बन रहे हैं? देखिए काटा कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5, और टुकड़े कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो जब 12 सेंटीमीटर को अगर हम 2 सेंटीमीटर में बांटेंगे तो टुकड़े कितने बनेंगे? 6। टुकड़े कितने बनेंगे? और टुकड़े 6 चाहिए तो काटना कितनी बार होगा? 5 बार। 5 बार काटना तो है लेकिन 5 बार केवल लंबाई से काटेंगे? किससे काटेंगे? 5 बार लंबाई से, तो 5 बार चौड़ाई से, तो 5 बार, तो कुल कितनी बार काटना होगा? 15 बार काटना होगा। कौन सब समझ में आया? तो फार्मूला 3x-1 कैसे बना ये समझिए ध्यान से बच्चों। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कुल कटाई की संख्या 3x-1 आ रहा वो कैसे आ रहा है। अब सारे बच्चे यहां बोर्ड पे देखें, x क्या बताता बच्चों? टुकड़ों की संख्या। टुकड़ों की संख्या कैसे पता चलेगी? हम कहेंगे बड़े घन की भुजा है 12, छोटे घन की भुजा है 2। 12 में 2 से भाग कर दिया, कितने टुकड़े बने? 6। तो x तो बता रहा कि 6 टुकड़े बने, लेकिन हम -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 6 टुकड़े बनाना है तो काटना कितनी बार होगा? एक बार कम काटना होगा। 6 टुकड़े बनाना तो एक बार कम काटेंगे, इसलिए बच्चों देखिए x में से हम 1 माइनस कर रहे हैं। समझ पाए? तो x-1 का मतलब जितने टुकड़े चाहिए
उसमें से एक कम कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि हमें कितनी बार काटना होगा, और एक साइड से जितनी बार काटेंगे तीनों साइड से उतनी ही बार काटना होगा, इसलिए हम किससे गुणा कर दे रहे हैं, तीन से गुणा कर दे रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट बन रहा है 3x-1 का। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का? तो क्या अब आपको इस सवाल को लगाने के लिए फॉर्मूले की जरूरत है? और लगा लेंगे, आप बोलेंगे बड़े घन की भुजा कितनी है 12 और छोटे घन की भुजा, तो 12/2 का मतलब लंबाई का कितना टुकड़ा करना है 6। अगर 6 टुकड़ा करना है तो हम लंबाई को कितनी बार काटेंगे, लंबाई को 5 बार, तो चौड़ाई को भी 5 बार, ऊंचाई को भी 5 बार, तो कुल कटाई की संख्या 15 आ जाएगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट बस नोट कर लीजिएगा। यहां लिखेगा कटाई की संख्या हमेशा x-1 है। हो गया नोट? अभी कितने बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया इस सवाल को लेकर? ऐसे कितने बच्चे हैं वो हाथ उठाएंगे, आप बताइए। क्लियर हो गया? पीछे वाले बच्चे बोले आप लोग, बोल नहीं रहे आप लोग, आ रहा समझ में? ठीक है। और जिन बच्चों का आज पहला दिन है, सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी? बोलिए। चश्मा वाला बच्चा, आपका भी पहला दिन है, आ रहा समझ में? आइए देखिए बच्चों, अब बढ़े अगले सवाल पर। देखिए अब फार्मूले की कोई जरूरत नहीं आपको, है सवाल लगेगा ओरल, बताइए बड़े, अरे आराम से रुक जाइए, बड़े घन की भुजा कितनी है 20 और छोटे घन की भुजा, तो 20/4 का मतलब 5, 5 का मतलब टुकड़े कितने चाहिए, 5 टुकड़े चाहिए, तो काटना पड़ेगा 4 बार, तीनों साइड से 4×3=12। अब लिख लेंगे इस सवाल को, चलिए पहले लिख लीजिएगा x बराबर होगा 20/4 यानी कि 5। x बता रहा है कि 5 टुकड़े हमें चाहिए, तो कटाई की संख्या क्या होनी चाहिए, कुल कटाई की संख्या 3(x-1), तो 3, 5-1, 4×3=12। हो गया। अब आ जाइए अगले सवाल पर। एक घन जिसे काटकर 216 घनों में परिवर्तित कर दिया गया, तो बताइए कितनी बार काटा गया होगा। तो आप ये बोलिए भाई, ये 216 कुल घनों की संख्या है, और कुल घनों की संख्या क्या होगा, x का क्यूब, x क्यूब की वैल्यू 216, x बराबर 6, मतलब टुकड़ों की संख्या 6, 6 टुकड़े चाहिए तो काटना पड़ेगा 5 बार, 5×3=15, कुल कटाई की संख्या 15, तो कुल कटाई की संख्या बराबर, आप बोलेंगे कुल कटाई की संख्या बराबर 3(x-1), तो 3(6-1), 5×3, इट मीन्स 15 times। पंद्रह बार काटना होगा बच्चों। कर लिया नोट? चलिए अब आइए अगले सवाल पर। अब ओरल कर लेंगे, चलिए फटाफट बताएगा, रुक जाइए पूछ लेते हैं, बच्चों से पूछ लिया जाए, बच्चों में से किसी से पूछ लिया जाए। चलिए आप बताइए, ओरल बोलना है, कंप्लीट आप बताएगा ओरल कैसे कैसे आपने किया, x=11। हाँ तीस सही है,
पीछे वाले बच्चे बोले भाई, आ रहा समझ में? देखिए इसका घनमूल निकालेंगे कितना आ रहा है। अब 11 बताएगा कि टुकड़ों की संख्या 11 है, 11 टुकड़े चाहिए तो काटना पड़ेगा 10 बार, तो तीनों साइड से 10 × 3 = 30 बार। आइए अगले सवाल पे, अब बताइए। अब घनमूल इसका याद रहेगा तभी तो जल्दी कर पाएंगे। अब समस्या यह नहीं है कि सवाल नहीं आ रहा है, घनमूल याद है 17, इसका घनमूल क्या होगा 17। चलिए इसका घनमूल हो गया 17, यानी x की वैल्यू 17 आ गई, तो कटाई की संख्या आएगी 17 − 1 × 3 कितना 48। बोलिए समझ में आया बच्चों? तो घनमूल निकालेंगे आ रहा है 17, यानी x की वैल्यू 17 आ गई, तो आप बोलेंगे 17 − 1 = 16 × 3 = 48। आइए अब इसको लिख देते हैं इस सवाल को। देखिए आप क्या बोलेंगे, कुल घनों की संख्या बराबर, कुल घनों की संख्या बराबर 49 × 13, तो आप बोलेंगे एक्स क्यूब की वैल्यू हो गई 413, एक्स बराबर इसका घनमूल कितना आ रहा है 17। अब आप बोलेंगे कुल कटाई की संख्या, कुल कटाई की संख्या बराबर 3 × (x − 1), तो x की वैल्यू 17 − 1 = 16 × 3 = 48। ये आपका आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा ना बच्चों आप लोगों का? बच्चियां बताएं आप लोग, आगे बढ़े अब, हो गया नोट? चलिए अब आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? अब अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी तो सवाल लगेगा ओरल। लिखा है एक घन जिसे कुल 12 बार काटा गया, छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की भुजा क्या होगी? ओरल करें पहले, आइए ओरल करते हैं। आप बताइए एक घन को कुल कितनी बार काटा गया? अच्छा 12 बार काटा गया, तो एक ही साइड से 12 बार काट दिया गया होगा कि तीनों साइड मिला करके? तीनों साइड मिला करके, तो हर साइड से कितनी बार काटा गया होगा? 4-4 बार। मतलब लंबाई को कितनी बार काटा गया होगा? अच्छा लंबाई को 4 बार काटेंगे तो टुकड़े कितने बनेंगे? 5। बताइए 4 बार काटेंगे तो 4 टुकड़ा बनेगा, 4 बार काटेंगे तो टुकड़े कितने बनेंगे? 5। यानी लंबाई के कितने टुकड़े? 5 टुकड़े। और बोला गया है जिसमें से एक छोटा टुकड़ा 2 सेंटीमीटर का है, तो 2-2 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े बनेंगे, तो 5 × 2 = 10, बड़े घन की भुजा 10। कॉन्सेप्ट समझ पाए ओरल? ओरल फिर से सुनिएगा बच्चों, आप हमें यह बताइए, अभी हम लिख के सॉल्व कराएंगे लेकिन पहले ओरल सुनिए। एक घन जिसे कुल 12 बार काटा गया, आप कहेंगे ठीक है 12 बार काटा गया, तो आप ये बताइए क्या 12 बार केवल लंबाई को काटा गया? आप कहेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को मिला करके 12 बार काटा गया, तो लंबाई को कितनी बार काटा गया होगा? 4 बार, चौड़ाई को भी 4 बार, ऊंचाई को भी 4 बार। अच्छा लंबाई को 4 बार काटिए 1, 2, 3, 4, तो टुकड़े कितने बनेंगे? 5। 5 छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। अब बोला जा रहा है कि छोटे घन की भुजा 2 है, यानी एक छोटा टुकड़ा 2 सेंटीमीटर वाला है, तो 5 का मिला देंगे तो 5 × 2 = 10, तो बड़े घन की भुजा क्या आ गई? 10 आ गई। ओरल समझ पाए आप लोग? अब आइए इस चीज को हम लिख के सॉल्व कराते हैं। ओरल एक बार फिर बता दें, बोलिए कितने बच्चे चाहते हैं कि ओरल एक बार फिर से समझाया जाए? आप लोग चाहते हैं, आइए सुनिए दोबारा, नहीं पहले बेसिक देख लीजिए फिर से कराते हैं। एक घन जिसे कुल 12 बार काटा गया, यानी कुल कटाई की संख्या, ये देखिए कुल कटाई की संख्या कितनी दिया है 12। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कुल कटाई की संख्या का फॉर्मूला 3x − 1, इसकी वैल्यू 12 है। अब 3 से कटेगा 12 कितनी बार में? एक्स माइनस वन की वैल्यू 4, तो एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5, तो आप बोलेंगे बड़े घन की भुजा
बटे छोटे घन की भुजा बराबर पांच, तो बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा दो है बराबर पांच, तो यहां आप लिख लेंगे बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बराबर पांच गुणे दो कितना 10 सेंटीमीटर। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले से है ये। कुल कटाई की संख्या सवाल में गिवन है कि 12 बार काटा गया, तो कुल कटाई की संख्या 12 है तो 3x-1 की वैल्यू 12 है, x-1 बराबर 4, तो x बराबर 5। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा का मान कितना 5, बड़े घन की भुजा चाहिए और छोटे घन की भुजा है 2, 5 गुणे 2 कितना 10 सेंटीमीटर। कर लीजिए नोट आप लोग। अभी ये कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को कम समझ में आया है, ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, बोलिए। पीछे वाले बच्चे बोले आप लोग, ये सबको क्लियर हो रहा है। आइए ओरल देख लीजिए एक बार फिर से, ओरल कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को कम समझ में आया है वो हाथ उठाएंगे अब। ओरल कॉन्सेप्ट तो कोई हाथ नहीं उठा रहा है, चश्मा वाला बच्चा आप हाथ उठाए थे, अब नहीं हाथ उठा रहे हैं। चलिए और कितने बच्चों को कम समझ में आया था ओरल, अच्छा कितने बच्चों को समझ में आया है ओरल वो हाथ उठाएं। कितने लोगों को समझ में आया है, बहुत बढ़िया सबको समझ में आया है। आए देखिए जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा देखें। बिल्कुल सिंपल बात यह है कि आप किसी भी घन को काटकर जब छोटे छोटे घन में बदलते हैं तो जितनी बार आप लंबाई को काटते हैं उतनी बार चौड़ाई को काटते हैं, उतनी बार ऊंचाई को काटते हैं, तीनों को बराबर बराबर काटते हैं आप। ऐसा तो है नहीं कि लंबाई को काट देंगे चौड़ाई को काट देंगे और ऊंचाई को नहीं काटेंगे तो घन बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा ना बच्चों। तो जितनी बार लंबाई को काटना है उतनी बार चौड़ाई को और उतनी बार ऊंचाई को। तो हमने कहा कुल कितनी बार काटा है आपने, 12 बार। अगर कुल 12 बार काटा है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिला के 12 बार काटा है, तो लंबाई को कितनी बार काटा होगा 4 बार, चौड़ाई को भी 4 बार, ऊंचाई को भी 4 बार। 12 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, लंबाई को कितनी बार काटा है 4 बार। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम किसी भी वस्तु को अगर हम 4 बार काट दें, कितनी बार देखिए 1, 2, 3, 4, तो टुकड़े कितने बनेंगे। तो अगर आप बताइए लंबाई को 4 बार काटेंगे तो टुकड़े कितने बनेंगे, चौड़ाई को 4 बार काटेंगे टुकड़े कितने बनेंगे, ऊंचाई को 4 बार काटेंगे तो टुकड़े कितने बनेंगे, तो 5, 5, 5, 5 का क्यूब। निकालना ही नहीं था, कुल घनों की संख्या नहीं निकालना है, तो हमें यह पता चल गया कुल घनों की संख्या निकालना नहीं है। लंबाई को आपने 4 बार काटा है तो लंबाई के टुकड़े कितने बने 5। अब अगर 5 टुकड़े बने हैं तो x की वैल्यू 5 है, और ये टुकड़ा कैसे पता चलता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो आप अगर ओरल समझना चाहें तो आप ये कहेंगे कि 5 टुकड़े बने हैं और हर टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का है, तो 2-2 सेंटीमीटर को 5 बार जोड़िए कितना आएगा 10, तो बड़े घन की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये क्लियर हुआ, बोलिए बच्चों। तो क्लास कैसी लगी आज की आप लोगों को, सब मजा आया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। पीछे वाले बच्चे बताएं आप लोग, बच्चियां बोले आप लोग सब समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, अब तो कर लेंगे ओरल, बस फटाफट ओरल करना। बोलिए कुल कितनी बार काटा आपने, 15 बार, तो लंबाई को कितनी बार, कितनी बार 5 बार, चौड़ाई को भी 5 और ऊंचाई को भी, अच्छा 5 बार काटेंगे टुकड़े कितने बनेंगे 6, और छोटे घन की भुजा है 6, तो 6 × 6 = 36। अगला सवाल, अब हो जाएगा ये, आप बताइए कुल कितनी बार काटा है, आराम आराम से, कुल कितनी बार काटा है 18 बार, तो लंबाई को कितनी बार, लंबाई को कितनी बार, अच्छा 6 बार काटेंगे तो टुकड़े कितने बनेंगे
सात, सात टुकड़े बनेंगे। तो बड़े घन की भुजा 21 बटे छोटे घन की भुजा बराबर सात, तो सात से तीन बार में छोटे घन की भुजा तीन आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। चलिए ओरल बोलिए। अब पीछे वाले बच्चों से पूछ लेते हैं, आगे कोई बच्चा बोलेगा नहीं, पीछे वाले बच्चों से आंसर चाहिए हमें। कुल कितनी बार काटा है? 27 बार। तो लंबाई को 9 बार, 9 बार काटेंगे तो टुकड़े बनेंगे 10, और बड़े घन की भुजा है 30 को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हर पार्ट 3 सेंटीमीटर का बनेगा। क्लियर हो गया? आइए अब इस सवाल को कल कराते हैं, ठीक है? 21 नंबर से समझ में आ गया ना आप लोगों को? गुड आफ्टरनून, सिट डाउन, बैठ जाइए। तो हम लोग पढ़ रहे थे सीआई ना, सीआई में कहां तक का क्वेश्चन हो चुका है? ये हुआ है कितने मेथड से? दो। एसआई से सीआई मॉडल अभी नहीं सिखाया गया है? नहीं। आइए, एसआई से सीआई मॉडल नहीं हुआ है, ठीक है? आइए देख लीजिए, ढाई साल का समय है ना इसमें, बात नहीं, टाइम थोड़ा चेंज हुआ है।